तो जैसा कि देख सकते हैं, ये हमारा पिछला सॉफ्टवेयर है जो हमने बनाया था और ये स्टॉक से रिलेटेड था। इसमें थोड़ा हमने कलर डाल दिया है ताकि आपको बेहतर तरीके से ये दिखे। इसमें चाहे तो और भी चीज़ों को आप फॉर्मेट कर सकते हैं, और भी चीज़ों को अच्छे तरीके से इसमें लगा सकते हैं। जैसे ये सेल और एमआरपी छूट गया है, इस पर हमने कोई कलर अभी तक यूज़ नहीं किया है, तो इसको भी हम यूज़ कर लेते हैं, इसमें भी कलर लगा लेते हैं। ये रेड कलर हमने लगाया था तो ये रेड कर दिया हमने, और यहाँ से इसको भी रेड कर सकते हैं। तो पहले इसको व्हाइट कर लेते हैं टेक्स्ट को, ठीक है, जो इसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है इसे व्हाइट कर दिया, बैकग्राउंड को रेड रखेंगे, टेक्स्ट को व्हाइट रखेंगे, क्लियर हो गया। अब यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे तो सारी चीजें हमें इस तरीके से दिखेंगी, ठीक है। अब ये बेहतर तरीके से हमें दिख पा रही हैं चीजें, लेकिन इसमें हमने एक काम नहीं किया है। जैसे कुल मिलाकर के कीबोर्ड के कितने स्टॉक हमारे पास है, 70 यूनिट कुल मिला के हमारे पास मौजूद है, लेकिन अगर बिकती है तो यूनिट घट जानी चाहिए, तो वो हमने नहीं किया इसमें। तो आइए कर लेते हैं इसको, यहां से आ जाते हैं डिजाइन व्यू पर, और ये सब कुछ यहाँ पे दिख रहा है। थोड़ा यहाँ नीचे आते हैं, यहाँ पे टोटल सेल के ठीक नीचे आएंगे, तो यहां से हम एक टेक्स्ट बॉक्स चूज कर लेंगे। ये टेक्स्ट बॉक्स चूज किया हमने, यहां से इसको ड्रैग करवा दीजिए। जैसे ही आप ड्रैग करवाएंगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा। अब यहां पर आपको क्या करना है, इसको थोड़ा शेप एंड साइज इसका मेंटेन करना है, सही करना है कि आप ये जो टेक्स्ट 27 लिखा हुआ है इसको हटा दीजिए, ठीक है। चूंकि हम रेस्ट यूनिट यहाँ पे देखेंगे, रेस्ट यूनिट कितनी बची हुई यूनिट्स हैं उनको यहाँ कैलकुलेट करेंगे, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। तो बस रेस्ट यूनिट आप यहाँ लिख दीजिए और यहाँ पर भी आ जाएगा रेस्ट यूनिट। तो डबल टी हो गया है, इसको सिंगल टी बनाना है हमें, डबल टी नहीं रखना है, सिंगल टी रखना है, तो ये सिंगल टी कर दीजिए, बची हुई यूनिट रेस्ट यूनिट कहलाएगी। तो ये रेस्ट यूनिट कर दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे ये रेस्ट यूनिट आएगा इस तरह से, इसको भी हम वो कलर में ले लेते हैं। तो यहाँ पर चूंकि रेस्ट यूनिट है तो यहाँ पे इसको मैं ग्रीन कलर प्रोवाइड कर देता हूँ, और यहाँ पर ये अनबाउंड टेक्स्ट बॉक्स, ये रेस्ट यूनिट कैलकुलेट कैसे होगी, चलिए देख लेते हैं कैसे इसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ से इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, और ये हमने कर लिया थोड़ा छोटा। अब यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है, या यहाँ पर कंट्रोल सोर्स दिख रहा है, यहाँ पर आप जा सकते हैं। तो यहाँ पे एक बार इसको भी टेक्स्ट 27 हटा देता हूँ, रेस्ट यूनिट ही लिख देता हूं मैं, तो ये लिख दिया हमने रेस्ट यूनिट, ओके। और यहां से कंट्रोल सोर्स पे जाकर के थ्री डॉट्स पे क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे ये बॉक्स ओपन होगा एक्सप्रेशन बिल्डर का। यहां पर आपको क्या करना है, इज इक्वल टू का साइन लगाना है, ठीक है। इज इक्वल टू का साइन लगाने के बाद आपको क्या करना है, यहां पर बचे हुए यूनिट को कैलकुलेट हमें करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत ही आसान सा तरीका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूनिट लिखा हुआ है, यानी कुल मिला के कितनी यूनिट हमने परचेस की थी वो यहाँ पे है। तो हमें यहाँ पे और कुछ नहीं करना है, यूनिट को ही ले लेना है। तो यहाँ पे आप इसमें सर्च करेंगे तो यूनिट भी आप फाउंड कर पाएंगे। तो ये परचेस के बाद जो यूनिट है इसी पर डबल क्लिक कर दीजिए, ठीक है, और यहां पर माइनस कर दीजिए इसको, ठीक है। किससे इसको माइनस करेंगे, यहां पर मैं दिखाता हूं, एक मिनट, इसको पहले ओके करता हूं, इधर आता हूं और यहां पे दिखाता हूं, यहां पे सेलिंग यूनिट से इसे माइनस करेंगे, ठीक है। तो चलिए बस सेलिंग यूनिट, तो इसमें आपको सेलिंग यूनिट मिल जाएगा, यहां पर फॉर्म में यहां पे सेलिंग यूनिट आपको मिल जाएगा, सेलिंग यूनिट ये डबल क्लिक कर दीजिए, ये सेलिंग यूनिट आ जाएगा, और यहां से ओके प्रेस कर दीजिए। ओके प्रेस करने के बाद ये रेस्ट यूनिट अपने आप आ जाएगा, यहां पर क्लिक कर दीजिए और रेस्ट यूनिट यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे देखिए एरर वैल्यू आ रही है, ये एरर क्यों आ रहा है ये देखते हैं एक बार। यहाँ से डिजाइन व्यू पे वापस चलता हूं और इसको थोड़ा विड्थ इसके बढ़ा लेता हूं। ये हमारी यूनिट है, यूनिट से हमें इसे क्या करना है, माइनस करना है सेलिंग यूनिट को, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दो बार ब्रैकेट लग गया है, ये दो बार ब्रैकेट नहीं रहेगा, पहले तो ये दो बार ब्रैकेट आप हटा दें। और अब इस पर क्लिक करता हूं तो आप देखिए ये एकदम क्लियरली आ गया है, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा डिजाइन इस पर मैं देना चाहता हूं, थोड़ा सा कलर रखना चाहता हूं इस पर, तो यहां पर आकर के और जो भी कलर आपको ठीक लगे, बेहतर लगे इस पर, तो वो कलर आप यहां पर दे दीजिए। जैसे मुझे कौन सा कलर दे देता हूँ, ये कलर ठीक लग रहा है, इसको दे देता हूँ, और यहां से ओके प्रेस करता हूं। तो ये कुल मिलाकर के 70 यूनिट था, अब कितनी यूनिट बच गई, 40 यूनिट हमारे पास बच गई है। तो ये इस तरीके से बता रहा है। अगर आप चाहते हैं इस पर बॉर्डर लगाना, कहने का मतलब कि इस पर लाइनिंग चाहते हैं, इसके चारों तरफ आउटलाइन चाहते हैं, तो वो कहां से लगाएंगे वो भी बता देता हूं। डिजाइन व्यू पे जाइए
और सिलेक्शन में ले लीजिए इसे, ठीक है। और ये जो दिख रहा है ना यहाँ पे लाइन कलर, इस लाइन कलर पे क्लिक कर दीजिए, कौन सा कलर चाहते हैं वो चूज करने के बाद, ठीक है। तो जैसे मैं ब्लैक कलर चाहता हूँ तो ये ब्लैक लाइनिंग आ जाएगी इस पे, देखिए अभी इस पे ओके करता हूँ, इस पे ब्लैक लाइनिंग आ गई, लेकिन इस पे हमने कुछ दिया नहीं तो इस पे कुछ नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से करके हम ये काम कर सकते हैं। इस रिकॉर्ड को सेव करने के लिए यहाँ सेव के बटन पे क्लिक कर दीजिए, और फिर अगर आपको नेक्स्ट रिकॉर्ड पे जाना हो तो यहाँ से नेक्स्ट रिकॉर्ड पे जा सकते हैं। ये एरो पर ध्यान दीजिए आप, ये जो एरो है ना ये हमें बताएगा कि हम कैसे नेक्स्ट रिकॉर्ड पे जा रहे हैं, कहाँ कहाँ जा रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पे तो कोई रिकॉर्ड है ही नहीं, कोई नया रिकॉर्ड आप चाहे तो एंटर कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसको सेव भी कर लिया हमने। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई होगी कि इसको हम कैसे एक बेहतर फॉर्मेट दे सकते हैं और रेस्ट अमाउंट कैसे निकाल सकते हैं। तो इसी श्रृंखला में ये आगे की वीडियो थी। वीडियो पसंद आए तो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।